आज की इस वीडियो में हम एशियन मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 का डीप एनालिसिस डेवलप करें अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने की पॉइंट ये है कि 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई इंडिया में उसके बाद से गवर्नमेंट का अप्रोच चेंज हुआ जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से अभी तक कई सारे आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को हाईलाइट किया नॉर्थ ईस्ट में एक पर्टिकुलर डांस है एक पर्टिकुलर ट्राइब है, या फिर एक पर्टिकुलर क्लासिकल फॉर्म का म्यूजिक है like यूपीएससी ने उसपे क्वेश्चन फ्रेम की Hence, 2016 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए उससे पहले वाले सालों में राइट right? सो so, उसी के बेसिस पे हम हमारा

वॉज इन लव विथ मालविका इनकी लव स्टोरी थी अग्निमित्रा वॉज सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी और ये लव स्टोरी को मालविका अग्निमित्रा के नाम से कंसिडर किया गया हंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर दैर अब दो पैर दिए गए पहला है टर्म और ये टर्म का डिस्क्रिप्शन तो फर्स्ट है इरी पार्टी. Now, इरी पार्टी का क्या कंसिडर किया है इज कंसिडर एज लैंड और रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉ सेट अपार्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक यानी कि वो लैंड से रेवेन्यू निकाला जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो रेवेन्यू का टू मेंटेन द विलेज टैंक अब ये विलेज टैंक को यूज किया जाता था फॉर इरीगेशन पर्पज या फिर हम कह सकते हैं कि इट्स अ सोर्स ऑफ वाटर था फॉर होल ऑफ द विलेज जिसमें से इरिगेशन भी हो रहा था एंड जो रेगुलर नीड होती है वो वाटर की वो भी फुलफिल की जा रही थी बाय दिस राइट इज दी नाउ यूर्स क्या था कि दिस वॉज अंडर द चोला एम्पायर था दिस टर्म वॉज अंडर द चोला एम्पायर जहाँ पे एक लार्ज विलेज को एक रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट बनाया गया था कि वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो विलेज पे एज अ यूनिट चोला एम्पायर वेर इज यहां पर ऑप्शन दिया गया है सिंगल ब्राह्मीड और घाटिका घाटिकाजर दी कॉलेज कॉलेज इज दे वनरली अटैच टू दया था कि दीज वर कंसिडर्ड एज देंटर ऑफ लर्निंग ये सेंटर ऑफ लर्निंग थी अब एक स्टूडेंट के माइंड में सवाल ये होता है कि जब हम पी डिस्कस कर रहे हैं सो वाई आई नीड टू डिस्कस दीज डिटेल्स जो एग्जाम में दी नहीं गई है वाई क्योंकि पी वाई क्यू एनालिस का ऑब्जेक्टिव ही यही है जैसे अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री का जब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू सूरत स्प्लिट उस पर नॉट एक्जैक्टली दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट उसके इन एंड अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट right? की सुरत स्प्लिट से रिलेट किया गया है स्वदेशी मूवमेंट बाइक मूवमेंट इज एंटी बेंगाल पार्टीशन से रिलेट किया गया है तो सेम चीज है दैट यू नीड टू गो थ्रू दिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट ताकि जब एग्जाम में आने वाले साल में जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए यूल बी इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन एंड ट्रस्ट में वो आएंगे ही आएंगे राइट right? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन एंड थ्री

अब करते हैं क्या है ये लोग कि जो भी फुटहिल्स पे ट्रेड होता है यानी कि जो भी गुड्स होता है उसको एक दूसरी जगह पे लेके जाते हैं जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फुटहिल्स और हिली रीजन में ही रहते हैं ये अलग अलग रीजन में भी रहते हैं दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर एस्टैब्लिश सिविलाइजेशन की एक जगह पे ही वो रहते हैं दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे आर कंसिडर्ड एज ट्रेडर्स दे आर नॉट एग्रीकल्चरलिस्ट दे आर नॉट वॉरियर्स नॉर वीवर्स दे आर

तो यहां पे सवाल ये पूछा है कि इनमें से ये इन चारों में से किसने अशोका एडिक्स को डिसाइफर किया था जो एम्पर अशोका उसका डिसाइफर किया था तो यहां पे जैसे करेक्ट आंसर तो बी है दैट इज जेम्स प्रिंसेप बट एज पीवाई क्यू एनालिस कर रहे हैं सो वी नीड टू हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट ऑल फोर पर्सनैलिटी की ये लोग थे कौन जस्ट अ ब्रीफ नॉलेज ताकि आप इन uh, फ्यूचर जब क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दी ऑप्शन

अपार्ट फ्रॉम दिस वो एशियंट इंडियन लैंग्वेज में भी इंटरेस्टेड थे एंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लिश राइट तो उसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जिन्होंने इसको डिसाइफर किया था नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट The concept of bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि initially there was a, Buddhism was one ideology, right? But जैसे ही Gautam Buddha once achieved the Nirvana uh, and once he left the uh, Mother Earth, तो वहाँ पे उनके followers ने Buddhism को अपने तरीके से interpret किया, right? And वहाँ पे दो division हो गए थे, right? तो दो type के division में ये हुए कि एक sect बना that was महायाना जिसको कहा गया है हायर व्हीकल और लार्जर व्हीकल एंड सेकंड इज हिनायाना राइट महायाना और हिना में डिफरेंस ये था कि हिनायाना वो सेक्ट के लोग थे जिन्होंने ये कंसीडर किया वंस यू अचीव निर्वाणा यू शुड लीव पीपल राइट वेर इज महायाना में ये कहा गया है कि वंस आई एम एबल टू अचीव निर्वाणा तो मेरे को निर्वाणा अचीव करके लोगों को छोड़ नहीं देना है uh, uh,

राइट right? अब उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बोधी सत्वा इज सेंट्रल टू हिनायाना दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये, नहीं है, ये महायाना में है इज अ कंपैशनट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटेड ये जैसे हमने डिस्कस किया कि बोधिस कौन है कंपैशन होने वाला है एंड ये एनलाइटेड इसलिए नहीं हो रहा, ये अपना कर रहा है क्योंकि इसको बाकी लोगों को भी हेल्प करनी है दैट तो वो सब भी एनलाइटेंड हो सके एंड दैट देंट्रल थीम और देंट्रल आइडिया ऑफ द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज थर्ड इज डिलेज अचीविंग हिज ओन टू हेल्प अदर सेंटि बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट येस दैट इज ऑल्सो राइट सो बेज अप ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी टू एंड थ्री आर द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज वॉट इज और आर कॉमन टू दू हिस्टोरिकल प्लेसेज नोन है एंड महाबलीपुरम राइट तो ये दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है फर्स्ट क्या है कि बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड नाउ दैट इज रॉन्ग बिकॉज अजंता बिल्ड स्टार्टेड इन द सेकेंड सेंचुरी बी सी एंड महाबलीपुरम वॉज इन सेवन टू एट सेंचुरी ए डी और ये खत्म हुआ था अराउंड फोर एटी एडी के आस पास मीन्स इज ज डिफरेंस दोनों सेम पीरियड में नहीं बने थे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड स्टेटमेंट इज बोथ बिलोंग टू दिलीजियस डिनोमिनेशन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग वाई रॉन्ग क्योंकि जो अजंता था अजंता में तीन टाइप के रिलीजन थे ऑब्वियसली बुद्धिज्म था इसके अलावा हिंदुइज भी था एंड जैनिज्म भी था महाबलीपुरम में ओनली हिंदुइज्म था रॉक को कट करके वहां पे मॉन्यूमेंट्स बनाया गया है दैट इज राइट सो बे इज अप दिस ऑप्शन बी थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द इकोनमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया द टर्म घाटा रिफर्स टू ना अरे घाटा क्या है कि घाटा अब आप लोगों ने ये चीज रिकॉल किया होगा कि एक काटवील जैसा होता है काटविल में यहाँ पे कुछ कंटेनर बांध दिए जाते हैं और यहाँ से एक वाटर वैली भरी होती है तो ये काटविल जब घूमता है तो यहां से वो पानी लेके जाता है और यहाँ पे एक स्लैब बनाया जाता है जहां पे ये वाटर यहाँ पे फ्लो करके एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है राइट right? तो so, ये व्हील को अर घाटा से कंसिडर किया जाता है दिस इज अ पर्शियन आइडियोलॉजी ये पर्शियन इन्वेंशन था जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया था राइट right? तो so, ये क्या है दिस इज नॉट अ बॉन्डेड लेबर नो दिस इज नॉट अ लैंड ग्रांड मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स बट दिस इज अ वॉटर व्हील यूज इन द इिगेशन ऑफ लैंड

इसका प्रोफेशन था कि कॉर्निकल्स को मेमोराइज़ करना डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को मेमोराइज करना और एपिक टेल्स को मेमोराइज़ करना अब ये सारी चीज़ें टेल्स कहानियां कौन याद करता है जिसको कहानी सुनानी होती है सिंपल सी बात है वरना कोई कहानी याद करके क्या करेगा मतलब मैं क्यों पी पढ़ रहा हूँ अभी बिकॉज मेरे को ये पी की वीडियो बनानी है मेरे को स्टूडेंट्स को वो समझाना है वो चीज़ हैंस मैं इसलिए ये वीडियो पढ़ रहा हूँ मैं ये कंटेंट पढ़ रहा हूं और मैं फिर बना रहा हूं दैट इज इट राइट सो वही चीज है कि ये चारों में से कौन है जो स्टोरी टेलर है ओके तो फर्स्ट है श्र, आ, श्रमाना नाउ श्रमाना कौन थे दे वर दी वंडरिंग मॉन्क वो मॉन्क थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे सेकंड इज दी परिवराज ना परिवराज दे वर पार्ट ऑफ द रोमन कल्चर रोमन कल्चर का ये पार्ट थे कि दे उन्होंने भिक्षा ले ली थी जस्ट लाइक जैनिज्म में जो होता है कि उन्होंने भिक्षा ले ली एंड वो सिर्फ भिक्षा पे ही जिएंगे राइट right? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी अपनी फैमिली छोड़ दी एवरी उन्होंने छोड़ दी एंड लाइक क्राइस्ट ओके तो ये दोनों नहीं है थर्ड है <coughs> अग्रहरिका नग्रहारिका वो थे जिनको लैंड ग्रांट्स पे दी जाती थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल तो ये भी नहीं है मगध वो थे दे दी सिंगर्स एंड स्टोरी कि वो स्टोरी बताते थे उसके लिए उनको स्टोरी याद भी रहनी चाहिए डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स। अपॉन दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पैर्स फर्स्ट इज द्लेस एंड द रीजन की ये पैर्स uh, को हमें uh, समझाना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच है एंड कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो फर्स्ट इज बोध गया अब इसके लिए ना ये एक बार मैप समझना ज्यादा जरूरी है इंडिया का ये मैप है फर्स्ट इज दू यहां है यहां है स्टूडेंट मेजरली कंफ्यूज किस में होते हैं वंदेलखंड मालवा एंड बघलेलखंड बघेलखंड राइट right. ये तीन में ज्यादा कन्फ्यूजन होता है इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू हमें पता है कहाँ है शिलोंग भी इजी है छोटा नागपुर भी इसी है दंडकारियाना है तेलंगाना है कर्नाटक है, है। मेन जो कन्फ्यूजन होता है ये ट्राइंगल में कन्फ्यूजन होता है कि बंडेलखंड में क्या है मालवा प्लेट्यू में क्या है और बघेलखंड में क्या है राइट right. तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं दैट इज द फेमस प्लेस दैट इज बोध गया इज नॉट पार्ट ऑफ बगलेखंड बट इट वॉज पार्ट ऑफ बंडेलखंड वेर एज खजुराव इज अ पार्ट ऑफ बंडेलखंड दैट इज राइट शिरडी शिरडी वॉज नॉट पार्ट ऑफ विधर्वा रीजन इट इज़ फार अवे फ्रॉम विधर्वा रीजन बट शिरडी इज़ दी अहमद नगर अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है शिरडी तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग वेर इज नासिक इज़ द पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट साइड ऑफ महाराष्ट्र इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मालवा क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं कि मालवा यहाँ है और ये जो है साउथ वेस्ट पार्ट पे है नासिक

करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवा द रूलर ऑफ विजयनगर, नगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट की विजयनगर रूलर के टाइम पे कृष्ण देवा ने जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है इन दोनों में से फर्स्ट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड सो दिस इज राइट कि जैसी लैंड की क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली वन थर्ड से वन फिफ्थ जितना आपका टैक्स लगाया जाएगा राइट सो दिस स्टेटमेंट इज राइट सेकेंड इज द प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स दिस इज ऑल्सो राइट प्राइवेट हैड टू पे ऑन इंडस्ट्रीज टैक्स यहां पे आंसर आ जाएगा सी बोथ वन एंड टू राइट so uh, that was it from uh, today's pyq video in the coming video we will be covering more such kind of previous year questions till then stay safe and study well thank you